Hello and welcome. You're watching India First. I'm Gaurav Sawant. 29 medals, 29 stories of grit and determination, 29 stories of victory against all odds, 29 reasons to feel super proud of the achievements of our Paralympians. On India First, a heartwarming interaction Prime Minister Narendra Modi had with the Indian Paralympics team, their support staff, their coach. India won 7 gold medals, 9 silver and 13 bronze medals at the Paris Paralympic Games. At India Today, we are proud to get you this interaction the Paralympians had with Prime Minister Narendra Modi and talked of their incredible journey to the top. बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र. शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे. जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले. सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है. बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है. हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर. तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ. तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे. इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वहां तो तुमने दिन निकाल दिए. अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन सर, ये जितना अच्छा बनके दिखा रहा है इतना है नहीं. कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है. जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे. जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को. तो ये दूसरा सर आपके लिए. आज मुझे आपको सुनना है, आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहां सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, मैं जरा सुनना चाहता हूँ. सर नमस्ते. हर हर महादेव. सर हर हर महादेव. सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूँ सर. और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर, एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था. तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर. तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था. तो हमारे देवेन भाई साहब, झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है. बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है. और सर मेरे कोच हैं उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है. तो मैं उनसे पूछता हूँ आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ. सर बहुत बार ऐसा होता है तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, वो थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर. और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा. कपिल उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी. जी सर. तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था. वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कैसे. आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है. सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में के जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहां दिखता तो है नहीं कुछ. तो उस दिन
हमारे सात दो मैट एरिया थे, एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी, और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15,000 से 18,000 दर्शक वहां थे, तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे, और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था और जो खिलाड़ी था ईरान का उससे पहले ये सेमीफाइनल फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा, तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा? जी जी, वो भी, अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में, मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको तो क्या बोलेंगे? हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही होता है ना सर, हाँ बोलते कि हम मार दे तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। टेक्निक का नाम बताते हैं, जो पोजीशन आगे पीछे पांव की दिखती है तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं, तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं क्योंकि कहां पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं। तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे? जी 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 बिल्कुल, उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। हाँ। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके पॉइंट लेते हैं। आप जब वहां बैठे होते तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे बहुत ज्यादा, अब बस नहीं चलता कि हम लोग भी मैट पे चले जाए कोच। सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी था जो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहा था उनके हाथ खुद दूज रहे थे क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत दे दिया, जैसे तो थर्ड एम्पायर रहता है पूरा उसके बाद ही बताया जाता है, पर मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था रोल करके, वो मेरी भी गलती रही कुछ, सेमीफाइनल में मैं दब गया, पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है, मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ पैरा एथलेटिक का, तो मेरे दो एथलीट है, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी, और 3 मेडल आए हैं हमारा, काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर, जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब दो मेडल आ गए, तो दो मेडल एक ही रूम में दो एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में, तो जब दो मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का अभी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच एज ए हस्बैंड मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं उसको समझ रहा हूं, दूसरे एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें दो मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके दो मेडल आ चुके हैं, तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा जरा है सिमरन सर, ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा, तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी, तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें एक महीने का रेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है अब तुझे खाना नहीं मिलेगा ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था, मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई, मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज्यादा ही प्रेम में है
तो मैं इसी चार नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं, और जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूंगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की, में ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूं जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की जिनका पांचवें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया, एक ट्रिपल जंपर भी हैं शायद यूएसए के हैं कहाँ के हैं, उनका पांचवें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पैरा पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। या कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जैसे कि ये गुड़िया है, ये फोर्थ है, काफी लोग फोर्थ हैं तो ये निराश हो रहे हैं, तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं उसको देख लो। मतलब देखिए मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इसके इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है, और मैं नवदीप का कोच नहीं हूं बट मैं नवदीप का गुरु हूं। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी एज ए बड़े भाई गुरु के तौर पर रहा है, तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें भी अपनी उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं नहीं आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार जी, मैं मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ, और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहा है, सब अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ें और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही, और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कम्पिटिटिवनेस नहीं था उनमें, तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम आपस में मोहब्बत से आगे बढ़ें और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है। सर नहीं आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जो दिमाग होता है उसमें कोई कमजोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने? योगा भी है हमारे टीम में, एक योगा भी कराते थे, तो रोज सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज दोहराते थे, मतलब रोज मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी, तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है? जी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ
तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है, और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है वो किसी और चीज में नहीं। बधाई हो। थैंक यू सर। और कोई? हाँ, पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है। अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं था। और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इम्पेयर्ड इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है। सो हम सब लोग को उसकी बधाई। हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के, उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोगों को कंग्रेचुलेट किया, बोले वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे, साई ओजीक्यू ये फिनोमिनल सपोर्ट हम लोग को मिला है, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन नीडलेस टू से। तो सर थैंक यू सो मच। एंड जितने और कोचेज हैं यूके यूएसए जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं कोरिया, वो सब लोग आए बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डिडंट रियलाइज इट्स गोना बी सो सून, सो वी फेल्ट वेरी प्राउड। एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम दैट इज बैकिंग अस अप। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूंगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा, शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके है 28-28-29। लास्ट एरो आपने देखा होगा सर, बिल्कुल क्लोज टू था, अगर वो 10 लगता तो हम किम वुजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है, 2 साल ही हुए और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माई कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डरी थी, अब लोग डरते होंगे। आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। परिवार में से क्या रिस्पांस है अब? परिवार के तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा दे रहे। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को अभी भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गए सर टोक्यो वाले की अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राइयो। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, एनसीयूईज हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को
समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले, वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं, वो हमें मंजूर नहीं है, दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर, वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है, व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है, अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए, मैं बैठा हूं वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊं उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या आजकल तो योगी ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है, लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है, और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है, क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था, वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वेलकम, बहुत अच्छा किया इस बार। चले आइए। ये सारे वहां के टीम्स के बच्चे थे। अच्छा, सब जोड़ दिया है।